स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। हिंदी साहित्य के नोट्स जिनको भी मंगवाना है, सभी साथी ये नोट्स जरूर मंगवा लें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नोट्स बनवाए गए हैं, कई जोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक है, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, साथ में ट्रिक भी इसमें है दोस्तों, ठीक है। सो जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है संपर्क करें, और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लें, फटाक से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दें, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और साथियों जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो मात्र दोस्तों ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते 599 में। PDF भी आपको इसकी मिलेगी, है ना। 4500 क्वेश्चन के मॉडल पेपर हैं, साथ में 2000 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी इसमें दोस्तों है, ठीक है। और जो भी TGT PGT वाले साथी हैं दोस्तों, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 21 जून से, तो सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना TGT PGT में, तो आप सभी साथी न्यू पैटर्न पर आधारित इस TGT PGT वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। प्रियंका जी उपाध्याय, ठीक है, बीनू सरोज जी, जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी ना चूकें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस में मात्र 1500 रुपये में एडमिशन ले सकते हो, 1500 में, ठीक है। जिनको भी लेना है 1500 में, चूकना नहीं है। उसके बाद दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आज सेशन आपको दिया गया है, सभी लोग बताएंगे फटाक से। पहला आंसर है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, सभी लोग बताएं पंक्ति किसकी है, और एक बार लाइक भी कर देना ये पंक्ति किसकी है, वीडियो को शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही बम्पर ठीक है, एक अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जे ही चित बत एक बार, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, देव कवि की है, रसलीन की है, मतिराम की है, या फिर सेनापति की है। तो आपको पता है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, यानी कि आपका उत्तर है बी रसलीन, बी नंबर आपका सही है, जो कि सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया, रसलीन आपका राइट आंसर है, ठीक है। जनता जनार्दन बी की ओर तरफ जा रही है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है बताओ, सेनापति, आलम, आलम द्विजदेव या फिर ठाकर, ठाकुर हैं बताओ। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी दोस्तों, शेयर कर देना, रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है आप लोगों के लिए, आपको जुड़े रहना है, इसी प्रकार निरंतर अध्ययन करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। और यहां पर जो आपसे प्रश्न आया, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है, सेनापति, द्विजदेव, आलम या फिर ठाकुर, तो देखना यहां पर आलम है, द्विजदेव है, ठाकुर भी है, लेकिन सेनापति रीति मुक्त नहीं है, इनको रीति सिद्ध काव्यधारा में रखा जाता है दोस्तों। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर है। आपको पता है कि विश्वनाथ ने दोस्तों, विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था, ठीक है, और उन्होंने श्रृंगार काल को 3 काव्यधाराओं में बांट दिया था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। तो यहाँ पर आपसे रीति मुक्त पूछा गया है, तो आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी, अनिल कुमार जी, चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर देना। सौरभ वर्मा जी, अनिता राजपूत, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तरंगणी है, श्रुति, उज्ज्वल नीलमणि या फिर दोस्तों करणा मरण, कौन सी है स्वतंत्र जी, शेयर कर देना हमारे सभी साथी। अमित सिंह जी, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और सभी लोगों को पता है कि सर अगर कृपा राम की होगी, कृपा राम की तो हित जरूर होगा, हित होगा तो हित तरंगणी, कृपा राम की होगी तो हित तरंगणी नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, ये नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। कवियों का सही कालक्रम बताना है, कवियों का सही कालक्रम बताइए, 4 विकल्प हैं, सही कालक्रम बताएं, बताओ, चिंतामणि पहले आएंगे, केशवदास आएंगे, पद्माकर आएंगे या फिर बिहारी आएंगे, सभी लोग 4 नंबर का क्वेश्चन है बताओ। 1555 में जन्म हुआ था केशवदास का दोस्तों, केशवदास का 1555 में हुआ था जन्म, ये तो आपको पता ही, बचपन से लेकर 55 तक। तो यहां पर बिहारी का जन्म कब हुआ था, बिहारी, बिहारी का भी बता दो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और कुछ लोग ए बता रहे हैं, चिंतामणि,
और कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर है बी, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, खा नंबर आपका सही है। प्रताप शाही की रचना, प्रताप शाही की रचना नहीं है, प्रताप शाही की रचना पूछी जाती है पांच नंबर का। बताना है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। निरंतर अध्ययन करना है अगर, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस के पेड कोर्स में जुड़ सकते हो। ठीक है, जिनको भी 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर वो मंगवा सकते हैं, जिनको विस्तृत अध्ययन के नोट्स मंगवाना वो विस्तृत अध्ययन के नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ये 3000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के भी दोस्तों टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये प्रश्न है, और साथ ही उत्तर माला भी इसमें है। सो मास्टर कैडर वाले साथी हो या टीजीटी पीजीटी या हिंदी साहित्य से कोई भी हो दोस्तों, ये मंगवा सकते हैं। 500 रुपए की बुक है, 99 रुपया जो है दोस्तों पोस्ट चार्ज है, आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है पूछा यहाँ पर, नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कुमोदी, ये तो आपको पता ही है ना। श्रृंगार मंजरी, नवरस तरंग या फिर दोस्तों काव्य विलास, तो पांच नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या जा रहा है बताइए। ये नवरंग तरंग यानी कि आपका जो सी नंबर है वो प्रताप शाही की रचना नहीं है दोस्तों, सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, पद्माकर ने कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखा था, छह नंबर का क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, बताइए फटाफट से। पद्माकर ने कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ दोस्तों ये रचना लिखी थी, तो चयन करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। सरोज जी, निधि जी, पद्माकर के बारे में अपन जानते हैं, बताइए। उसमें से नहीं करवा रहे अमन जी, उसमें से नहीं करवा रहे, वो अलग है। यहां पर आपका पद्माकर में कौन सी काव्य कृति कुष्ठ रोग निवारणार्थ लिखा था, वो कृति का नाम बताना, छह नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करो। और कुष्ठ रोग निवारणार्थ इन्होंने रचना लिखी थी गंगा लहरी, पद्माकर ने। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर जा रहा है सी नंबर, सी नंबर सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सी नंबर सही है दोस्तों। फिर यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन सात नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। सात नंबर में छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है बताओ। सूदन है, लाल कवि है या फिर भूषण है या पद्माकर, छत्र प्रकाश का चयन करना है अमन जी। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी साथी लाइक कर दो जल्दी से, शेयर कर दो अपने साथियों को दोस्तों, शेयर भी कर देना, हमारे सभी साथीगण शेयर भी कर दें। और छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, एक सरल सा क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग लाइक जरूर करें और दोस्तों शेयर भी कर देना अपने साथियों को। यहां पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। वीडियो को लाइक करें। छत्र प्रकाश बोले सर, छत्र का प्रकाश है मेरे लाल पर छत्र का प्रकाश है, लाल से हो जाएगा क्या, लाल से आपका उत्तर जा रहा है कि सर लाल कवि। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको बताना रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है, वेरी गुड आंसर। रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि बताना है, बताइए। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, सभी साथी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने मित्रों तक फटाफट से। इतना बढ़िया सेशन रोज चलता है रात्रि 9 बजे से, जिनको भी एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन ले लें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, फटाक से शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर इतना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, लाइक शेयर करिए। और दोस्तों इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आप सभी साथी जरूर इस सेशन से रोज जुड़ेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है कि अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते पद्माकर, यानी बी नंबर आपका सही है, पद्माकर। ये रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि है। चिंतामणि के भाई कौन नहीं है बताइए, बहुत पढ़ा है अपन ने चिंतामणि के बारे में, तो चयन कर दो एक बार, चिंतामणि के भाई कौन नहीं है, चिंतामणि के भाई कौन नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, सभी साथियों को टॉपिक वाइज अगर अध्ययन करना है तो निरंतर जुड़े रहें। और जिनको भी पेड कोर्स में एडमिशन लेना है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना दोस्तों, सभी साथी आ जाएं। चिंतामणि के भाई कौन नहीं है, चिंतामणि आपको बताना है।
और चिंतामणि आपको बता, रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों इन्हें रीति काल का प्रवर्तक माना है। 9 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर आ रहा है कि मतिराम भूषण जट्टा ये भी है देव नहीं है। बी नंबर आपका सही है, बी नंबर ठीक है। कौन रीतिकालीन कवि वीर रस के लिए प्रसिद्ध है, ये तो लगभग सभी से बनेगा 10 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे इस नंबर के क्वेश्चन में। शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए फटाफट से वीडियो को, लाइक कर दीजिए। और जिन भी साथियों को एक कोर्स में एडमिशन लेना है मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन रीतिकालीन वीर रस के लिए प्रसिद्ध है, वीर रस के लिए प्रसिद्ध कौन है, चिंतामणि भूषण मतिराम या फिर देव। तो वीर रस के लिए आपको पता है, वीर रस के लिए जाने जाते भूषण, भूषण का वास्तविक नाम क्या था, घनश्याम, घनश्याम। और इन्हें सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी। आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। रीतिकाल का अंतिम शास्त्र का भी पूछा है, शास्त्र का भी कौन है बताइए, पद्माकर रसलीन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर के क्वेश्चन में फिर से आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आएगा, तनुजी रेखाजी गौतम जी गुड़िया जी, तो इस प्रकार से भी आपको उत्तर लगाना कि सर रीतिकाल का अंतिम जो शास्त्र कवि है वो भी कौन है, पद्माकर। पद्माकर ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे के सुकवि रीज है तो कविताई ना तो राधिका कनाई, सुमरन को बहानो, बताओ सुमरन को बहानो, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बतानी है, बताइए प्रतिमा जी आपका उत्तर बताना है। 9 बजे से 9:40 तक ये क्लास चलती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रितेश जी बताइए, आगे के सुकवि रीज है तो कविताई ना तो राधिका कनाई, सुमरन को बहानी, 12 नंबर का क्वेश्चन है। और ये सुमरन को बहानो यानी कि पंक्ति ये किसकी हो जाएगी, पंक्ति बताइए 12 नंबर में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनिल कुमार जी ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का चयन किया कि सर भिखारी दास, भिखारी दास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। काव्य प्रकाश किसने लिखा, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है, काव्य प्रकाश बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी अपन ने छत्र प्रकाश पढ़ी थी, छत्र प्रकाश किसकी पढ़ी थी, छत्र प्रकाश दोस्तों अपन ने देखी थी किसकी रचना थी, छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश के जो रचनाकार थे वो रचनाकार थे लाल कवि। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है दोस्तों काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना अच्छा दोस्तों, इतना अच्छा बढ़िया सा कोर्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। काव्य प्रकाश के किसने लिखा है, किसने लिखा है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर का क्वेश्चन है चिंतामणि, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, चिंतामणि आपका राइट आंसर है। काव्य प्रकाश रीतिकालीन का, रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 14 नंबर में बताना रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आईएमपी लगा लेना, वो कवि कौन है शास्त्रीय पद्धति पर, 14 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो जल्दी से, वो कवि कौन है, सभी लोग बताएंगे। केशव है, रीतिकाल का वह कवि कौन है जिसने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना की। अब यहां पर आपसे दोस्तों क्या पूछा गया 14 नंबर में, तो यहां पर निम्न में से पूछा गया, तो आप केशवदास लगाएंगे, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। काव्य शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले कौन है, केशवदास, और केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, यानी बी नंबर नगेंद्र आदि ने माना है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चिंतामणि तो बाद के माने जाते हैं, उसके बाद नैन नचाई कहो मुस्काई लला फे रहियो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है, पंक्ति किसकी, एसपी यादव जी, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फे रहियो खेलन होरी, खेलन होरी बताओ, चिंता पद्माकर, मैंने कई बार याद करवाया, ट्रिक से भी आपको बताया है। सरोज जी बताइए, फटाक से बताइए, पुष्पा जी, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फे रहियो खेलन होरी, होरी खेला है ना, होली खेले रघुबीरावद में, 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। लाइक करिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 1500 में दोस्तों टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स है ना, बढ़िया ऑफर, सभी साथी एडमिशन लें। और नैन नचाई कहां, बोले खेलन होरी अयो, काय से अयो भैया, 15 नंबर के क्वेश्चन, तो बोले सर पद्मों से अयो, पद्मों से या कदमों से, तो पद्मों से या कदमों से, सी नंबर, अमीय हला हल मद भरे सेत श्याम रत्नार, पंक्ति किस कवि के किस ग्रंथ से, बहुत बढ़िया, किस ग्रंथ से, तो ये तो आपको पता ही है कि सर ये जो रचना है
ये रसलीन की रचना है, रसलीन क्योंकि अमीय हलाहल, अमीय मतलब होता है अमृत, है ना, और अमृत का रस, अमृत का रस याद कर लेना, अमीय हलाल अमृत का रस, रसलीन अमृत का, अमीय का अमिया का, रसलीन ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो रसलीन, और रसलीन की रचना कौन सी, अंग दर्पण, अंग दर्पण अपन को याद कर लेना है, अंग दर्पण में देख देख रसलीन, अंग दर्पण में देख देख रसलीन, रसलीन की पंक्ति सी नंबर डी नंबर आपका सही है। कत देखाए कामनी दई दामनी को यह बाई, और थर थराती सो तन फिरे थर पराती घन माही, ये पंक्ति बताइए। 17 का क्वेश्चन है, इतनी अच्छी पंक्ति भी आपसे पूछी जाती है, आपके एग्जामों में पंक्तियां भी बहुत पूछी जाती हैं। कत देखाए कामनी दई, कामनी दई ये पंक्ति थोड़ी अलग है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी शायद किसी भी बुक में, लेकिन 17 नंबर का क्वेश्चन फिर से आपका एक अच्छा क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आप लोग बता रहे हो और आपका उत्तर चला गया इधर थराती सो तन फिरे, यानी कि पंक्ति यहां पर रसलीन सही हो जाएगा, रसलीन बहुत बढ़िया, यहां पर रसलीन की ही ये पंक्ति है दोस्तों। कत दिखाए कामनी दई दामनी को यह बाही, है ना, ये भी अपन को याद रहे, बोले रसलीन तो फर फर आ गई, बोले रसलीन, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकू जे ना मूर के, पंक्ति किसकी है, पंक्ति बताओ ठाकुर बोधा आलम या फिर घनानंद, पंक्तियों को भी पढ़ना है दोस्तों बहुत अच्छे से। सिद्धार्थ जी बताइए, है ना, आपने देखा हो कई लोग रस लेने के लिए फर फर आते हैं, मुझे रस लेने दो, मुझे रस लेने दो, है ना, लेकिन रस कोई नहीं ले पाता है ना, तो यहां पर फरफरा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में बताना है दोस्तों, एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होता है, अपने कितने मित्रों को आपने शेयर किया अभी तक। 18 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, यानी कि आपका उत्तर है ठाकुर, ठाकुर आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आनंद जी, ठाकुर आपका राइट है। दाता कहा सूर, है ना, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, 19 नंबर है। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, तो बताइए 19 नंबर का पंक्ति आलम घनानंद बोधा या फिर दुजदेव, 19 नंबर में लाइक जरूर कर देना, इतना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, पंक्ति किसकी है, पंक्ति बताना है 19 नंबर की पंक्ति, 19 नंबर की पंक्ति में बताना है, और ये पंक्ति दोस्तों दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए, बोधा की पंक्ति है दोस्तों। सुजान से आप लोग घनानंद लगा दिया, लेकिन ये बोधा, बोधा यानी सी नंबर आपका सही है। यह प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, 20 नंबर, बहुत बढ़िया पंक्ति पूछी गई है, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, फटाफट से बताना है। और आपको बताए बोधा रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। है प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो, तरवार की धार पे चलता दोस्तों प्रेम का पंत है, तो ठाकुर बोधा आलम घनानंद, तो 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे कि सर है प्रेम को पंत करालमा, ये पंक्ति भी किसकी है, बोधा की है, बी नंबर आपका सही हो रहा है ना, ये पंक्ति बोधा की है, बहुत सारे लोग डी लगा रहे हैं, बोधा लगा दो, ये पंत प्रेम को पंत करालमा, ठीक है, बोधा लगाना है राम जी, ये बोधा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, 21 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है, यहां पर जल्दी से बताइए फटाक से। रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि, अंतिम कवि बताना है, रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि कौन है, आलम है, घनानंद है, दुजदेव है या फिर बोधा है, रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक भी करना है, सभी साथियों को शेयर कर देना दोस्तों, ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, और आपको अगर इस क्लास से जुड़ना है तो रोज निरंतर आइए, रोज दोस्तों इस क्लास से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, और रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम कवि 21 नंबर का क्वेश्चन, और अंतिम कवि आपसे पूछा है, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा दोस्तों, आप सभी लोग बिल्कुल सही ही बताएंगे, और सही बताना है तो आपने चयन किया है दुजदेव, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन नीतिकार नहीं है, नीतिकार नहीं है रहीम,
है ना, आपने नीति के दोहे पढ़े है ना, नीति के दोहे, तो नीतिकार कौन नहीं है, नीतिकार गिरधर का विराय, दीन दयाल गिरी गिरधर दास, या फिर दोस्तों रहीम दास, नीतिकार कौन नहीं है, नीतिकार कौन नहीं है, रोडी सिंह जी, पुष्पा रागनी वर्मा जी, 22 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है, जिनको भी 3000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर पर बाई पोस्ट के माध्यम से, 500 की ये टेस्ट सीरीज है 3000 प्रश्नों की, और दोस्तों आप मंगवा सकते हैं 599 रुपए पोस्ट चार्ज भी आपको लगेगा, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना बिल्कुल संपर्क करें दोस्तों 9098609291 पर, फोन पे करें, स्क्रीनशॉट दें और पूरा पता दें अपना, ठीक है। और जिनको भी हिंदी साहित्य के संपूर्ण नोट्स मंगवाना है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, वो संपर्क करें दोस्तों। नीतिकार कौन नहीं है, 22 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर लगा दिया कि सर गिरधर कबीराय है, गिरधर दास नहीं है, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, गिरधर दास नहीं है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, बहुत बढ़िया, घनानंद की प्रेमिका का नाम दोस्तों सुजान था, सुजान है ना, और ये एक तरफा प्रेम था, और दोस्तों इन्हें दरबार से निकाल दिया गया, दरबार से निकाल दिया गया किसको, घनानंद को, बेचारे है ना, ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया, ये घनानंद की अपनी जो रचनाएं लिखी हैं सुजान के बारे में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि घनानंद की जो कृतियां हैं वो किस भाषा में है, तो उत्तर चला गया कि सर वो है ब्रज भाषा में, है ना, ब्रज भाषा में है घनानंद। 6 नंबर, कौन सत्य है, सत्य बताइए, आलम घनानंद बोधा ठाकुर, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, आलम घनानंद ठाकुर बोधा, या बोधा ठाकुर घनानंद आलम, क्रम से बताइए। 24 नंबर के क्वेश्चन में, आलम घनानंद बोधा ठाकुर कौन आ जाएगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा यहां पर, सही आंसर बिंदु लता जी, अनीता जी, हंसा जी, छाया जी, सभी लोग बताएं 24 नंबर में, क्रमबद्ध करना है कवियों को दोस्तों, सभी को आंसर बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, इतना बढ़िया सेशन आपका चल रहा है। उत्तर जा रहा है कि सर आलम घनानंद बोधा और ठाकुर, तो आलम आपके सबसे पहले आ रहे हैं, क्योंकि आलम, आलम जो है बिगड़ जाता है, आलम क्या है, बिगड़ जाता है, तो आलम से आलम आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, आलम आपका राइट आंसर है। हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कौन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कौन है ऐसा पूछा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्र कवि उपाधि दे दी गई थी मैत्री शरणगुप्त को, वो अलग है, यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी का पहला राष्ट्रीय काव्यधारा का जो कवि है वो कौन है, वो कौन है, सभी लोग जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, राजीव जी, लखविंदर जी, सीमा जी, एसपी द्विवेदी जी, चयन करिए, रीता जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और बीनू जी बताइए, दारसू जी, हिंदी का पहला राष्ट्रीय काव्यधारा का जो कवि है दोस्तों वीररस का कवि है, ये है कौन, ए नंबर, यानी कि भूषण, भूषण बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा, रसोन्मत प्रेम की पीर का कवि, लाक्षणिक कवि, या फिर कोई नहीं, क्या कहा भैया घनानंद ने, चयन करिए, सिर्फ कमेंट करना है, सकारात्मक कमेंट भी करना है दोस्तों, ठीक है, अगर आपके कमेंट सकारात्मक नहीं होते तो आप चैनल से ब्लॉक किए जाते हो और आप कभी इस चैनल को देख नहीं पाते, ठीक है, इसलिए सकारात्मक कमेंट आना चाहिए, और सकारात्मक कमेंट आप नहीं कर पाते तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है, शहीद हो जाओगे। घनानंद को शुक्ल जी ने कहा है, रसोन्मत्त कहा है, प्रेम की पीर का कवि, लाक्षणिक कवि, या फिर कोई नहीं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर प्रेम की पीर का कवि कहा है, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर, किसकी रचना, हमीर हट है, हमीर हट बताना है, हमीर हट एक इसकी रचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए और वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देंगे सभी साथी, जल्दी से चयन करें, किसकी रचना हमीर हट है, हमीर हट के रचनाकार बताना है, हमीर हट के रचनाकार कौन है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और यहां पर आपका उत्तर क्या जा रहा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर के क्वेश्चन में आपका हमीर हट के रचनाकार कौन है, हमीर हट किसकी रचना है, हमीर हट, और आपका उत्तर जा रहा कि सर ये हमीर हट जो रचना है ये चंद्रशेखर वाजपेयी की है, यानी बी नंबर, हमीर हट, ठीक है, चंद्रशेखर वाजपेयी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 28 में बताइए,
28 का लाइक भी कर दीजिए। परमिंदर जी, अनुज कुमार जी, अनिल कुमार जी, सभी को बताना है आचार्य शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है, कब से कब तक माना है, कब से कब तक माना है। 28 का उत्तर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक माना है, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। संबत 1700 से 1900 बता रहे हैं आप लोग 28 नंबर के क्वेश्चन में, और बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर संबत 1700 से 1900 जो आप लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, सभी से बन रहा है लगभग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, बीनू जी बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद, रामकुमार वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। दिशा जी, प्रमोद जी शेयर कर दें साथियों, किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है 29 नंबर के क्वेश्चन में, और 29 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल किसने कहा, तो आपको पता ही है कि सर विश्वनाथ ने तो कहा है। अब देखते हैं क्या आप बताइए, विश्वनाथ बता रहे हैं बहुत सारे लोग, रीति काल को श्रृंगार काल और किसने कहा है। मैंने कई बार आपको बताया है लेकिन मन में एक ही चीज है, विश्वनाथ प्रसाद, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद के बाद एक क्वेश्चन और अपन को याद कर लेना है, एक क्वेश्चन और याद रख लेना है दोस्तों। आपका उत्तर रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने भी दोस्तों ठीक है याद रख लेना है। तो आपका विश्वनाथ प्रसाद तो है ही, इन्होंने श्रृंगार काल कहा, रामकुमार वर्मा ने भी ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहां पर हजारी हजारी दो बार भी हो गया है ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर आते, सॉरी रामकुमार वर्मा ने कहा है क्या, और सर नहीं कहा तो किसने कहा, यहां पर ऑप्शन ए नहीं है दोस्तों, सॉरी इसको गलत कर दो, इसको काट दो, इसको काट दो, यहां पर आपका विश्वनाथ ही सही होगा, यहां पर विश्वनाथ ही सही कर लो दोस्तों, विश्वनाथ सही कर लो, सॉरी विश्वनाथ आपको याद कर लेना, विश्वनाथ सही करना ठीक है, विश्वनाथ ही सही लगाओगे, वेरी गुड विश्वनाथ आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते, रीति काल को अलंकृत काल के, विश्वनाथ यहां दिया, सॉरी यहां दिया दोस्तों ऑप्शन आपका यहां दिया है जी नंबर ठीक है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा ये बताना है, ये बताइए ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद ने ही कहा है, उसको सही कर लो ठीक है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा ये बताना है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। कार्तिक जी, अस्मित जी, वीडियो को लाइक करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमा शंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर रामकुमार वर्मा, अलंकृत काल किसने कहा बताइए, चयन करिए जल्दी से। सरोज जी, मुकनद जी, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, 30 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। और 30 नंबर के उत्तर में आपका उत्तर जा रहा है 30 का, कि सर 30 में आपका उत्तर जा रहा है क्या, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। तो श्रृंगार काल तो अपन जन्म से पढ़ते आ रहा है कि सर श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, है ना, तो विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल तो कहा ही था ठीक है। लेकिन आपका यहां पर मिश्र बंधु सही है, इन्होंने अलंकृत काल कहा था। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना, रीति काल का डॉक्टर नगेंद्र, 31 नंबर का क्वेश्चन है, रीति काल का प्रवर्तक किसे माना बताइए। रीमा जी चयन करिए, शेयर करिए, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है, केशवदास, विहारी, विहारी मतिराम या फिर चिंतामणि को किसे माना है। और आपको बताया कि सर डॉक्टर नगेंद्र ने जो माना है वो माना है किसको, केशवदास को ठीक है। चिंतामणि को किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपका उत्तर कहां चला गया, ए नंबर चला गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार, ये पंक्ति किसकी है, वर्णत बुद्ध अनुसार, जसपाल जी बताइए, बहुत बढ़िया। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार 32 नंबर का क्वेश्चन है, और 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये जो पंक्ति जा रही है ये पंक्ति कहां जा रही, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार, केशवदास की ये पंक्ति क्या या फिर चिंतामणि। तो आपका उत्तर है दोस्तों चिंतामणि की पंक्ति है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है ठीक है। तो आपका उत्तर यहां पर बिल्कुल सही है, चिंतामणि का जन्म स्थान क्या है, चिंतामणि का बताइए, तिगमापुर, बनपुर या फिर सागर में, कहां पर हुआ था चिंतामणि का जन्म। अर्पिता जी, कुमकुम जी, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए फटाफट से।
चिंतामणि का जन्म स्थान क्या है? 33 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कौन सही बताता है। सबसे पहले चिंतामणि का जन्म स्थान कौन सा है, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर बी नंबर लगा दो कि तिकबापुर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों चिंतामणि बी नंबर, ठीक है। देव का जन्म स्थान भी बता दो 34 नंबर में। देव का जन्म स्थान कहां हुआ था बताइए, चयन करिए। देव का जन्म स्थान कहां, एटा, मैनपुरी, इटावा या फिर वृंदावन? देव का जन्म स्थान कहां है 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, और उत्तर जा रहा कि सर देव का जो जन्म स्थान है वो है इटावा। इटावा यानी सी नंबर, सभी को पता है इटावा। बहुत बढ़िया। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है? रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम बताना है। सोमनाथ का वास्तविक नाम बताइए, शशिनाथ है क्या? शशिनाथ है, शशि कुमार है, पृथ्वी से है या फिर मान से है? सोमनाथ का बताना है, और चयन कर दीजिए जल्दी से। सोमनाथ का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? आपका उत्तर जा रहा है 35 नंबर में। वीडियो को लाइक करिए, 35 नंबर का क्वेश्चन बताना है, और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर सोमनाथ का जो वास्तविक नाम था वो मानसेह था क्या? पृथ्वीनाथ तो रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी से था, है ना? तब आपका उत्तर है शशिनाथ। रीतिकालीन कवि सोमनाथ का वास्तविक नाम था शशिनाथ। सोमनाथ का शशिनाथ था दोस्तों, शशिनाथ इनका वास्तविक नाम था। रसनिधि का नाम था पृथ्वी से तो। यहां पर आपका ए नंबर सही है, ठीक है। मतिराम किसके आश्रय में रहते थे? मतिराम किसके आश्रय में रहते थे? मतिराम बताना है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर रुद्रशाह के? दीक्षा जी, जसमेल जी बताओ, मतिराम किसके आश्रय में रहते थे? ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, और 36 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर जा रहा है कि सर मतिराम जो थे ये किसके आश्रय में थे? जहांगीर के थे क्या, शाहजहां के थे, औरंगजेब या फिर रुद्रशाह के? मतिराम। लेकिन यहां पर दोस्तों आपका उत्तर बताइए कौन को पता है किसके आश्रय में थे, कौन बताएगा? देखते हैं, विकल्प अनुसार सही उत्तर बता रहे हैं कि और भी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और आता है। वैसे दोस्तों यहां पर आपका उत्तर जहांगीर है, लेकिन आपको एक चीज और पता है कि सर ये जो मतिराम है ये भाव से हैं, महाराज भाव से के दरबार में थे। भाव से हैं, भाव से के दरबार में थे, किसी ने नहीं बताया। भाव से भी बता देते। भाव और मति मैंने आपको याद करवाया था, मति और भाव, है ना? भाव सिंह अमन जी, ठीक है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित है? जसवंत सिंह का भाषा भूषण बताओ, नायिका भेद, अलंकार, छंद निरूपण या फिर रस विषयक? 37 नंबर का क्वेश्चन है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस विषय से संबंधित है? और ये भाषा भूषण कई बार पूछा जाता है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ठीक है। तो 37 का उत्तर, 37 में लाइक करना है, और 37 का उत्तर जा रहा है कि सर ये जो भाषा भूषण है ये अलंकार ग्रंथ है। अलंकार भूषण है ना, और आभूषण अलंकार यानी बी नंबर भूषण सही है। ललित ललाम ये किसकी रचना है? 38 नंबर, ये ललित ललाम भी अलंकार ग्रंथ है दोस्तों। ललित ललाम भी कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम भी याद कर लेना, ये भी अलंकार ग्रंथ माना जाता है। और मतिराम, देव चिंतामणि या फिर सोमनाथ, चयन करिए। ललित ललाम ये किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ललित ललाम के रचनाकार बताना है, और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ललित ललाम। हमारी मति कैसी होनी चाहिए? बोले हमारी मति तो बड़ी ललित होनी चाहिए, है ना, कोमल होनी चाहिए। ये नंबर ललित ललाम मतिराम आपका बिल्कुल सही है। केशव को अलंकारवादी किस आचार्य ने माना है? केशव को अलंकारवादी किस आचार्य ने माना है? शुक्ल ने, नगेंद्र ने, किसने माना भैया? 39 नंबर का क्वेश्चन है, और 39 में से दो विकल्प में से ही उत्तर बता दो आप, तो बताइए
केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है? केशव को अलंकारवादी आचार्य किसने माना है? कमला कांत जी, आरुषि जी, वीडियो को लाइक करें। और आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना है, ठीक है। तो आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? इतना बढ़िया सा कोर्स चल रहा है, और अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रश्न में डाउट समझ में आता है तो जरूर बताएंगे हमें। 40 कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसने लिखा? कृष्ण चरित्र बताओ, कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य किसने लिखा है? विनोद जी, सरोज जी, मोहित जी, कुलविंदर, दीपिका जी, मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि या फिर कुलपति मिश्र ने? किसने लिखा कृष्ण चरित्र? के रचनाकार कौन है? मनीषा जी। कृष्ण चरित्र 40 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कृष्ण चरित के रचनाकार बताना है, राधा जी, राजीव जी, एसपी चतुर्वेदी जी, बताइए। वीडियो को लाइक भी करना है, चयन करिए। कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है तो किसका है? कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य तो आपका उत्तर जा रहा कि सर कृष्ण चरित्र प्रबंध काव्य है, ये लिखा है किसने? मतिराम ने लिखा क्या? सही है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। तब 40 नंबर के आपके उत्तर जा रहा है कि सर ये मतिराम ने नहीं लिखा है, ये चिंतामणि ने लिखा है, ठीक है। बहुत सारे लोग मतिराम लगा दिया, ये गलत है, चिंतामणि सही है। कृष्ण चरित्र लिखा है चिंतामणि, कृष्ण चरित्र प्रबंध का चिंतामणि। कमलकांत जी बिल्कुल सही बताया आपने। कवि कुल कल्पतरु ये किसने लिखा है? 41 में कवि कुल कल्पतरु। आरुषि जी बताइए, कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है? चयन करिए। हाँ बिल्कुल, रीता शेखर जी बिल्कुल सही है। मतिराम, जहांगीर, भावसेन, ज्ञानचंद, भोगनाथ, वेरी गुड, पूरी रामायण ही बता दी रीता जी ने। तो कवि कुल कल्पतरु किसने लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांता जी बताइए, लाइक करिए जल्दी से। प्रतिमा जी, पूजा जी, और कवि कुल, कवि को कुल की चिंता है, बोले सर कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार भी कौन हो जाएंगे? कवि को कुल की चिंता, तो चिंता से चिंतामणि ए नंबर। बिहारी सत्सई पर किस कवि ने सवैया लिखकर ख्याति अर्जित की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 42 नंबर में। बिहारी सत्सई पर किस कवि ने सवैया लिखकर ख्याति अर्जित की? हरमिंदर जी, बृंद कवि ने, कृष्ण कवि ने, गुमान कवि ने या फिर रसलीन ने? 42 का उत्तर है। अनुज जी बताइए, लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आप मात्र 1500 रुपए में ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। श्वेता सैनी जी ने बताया कि सर बिहारी सत्सई पर सवैया लिखकर ख्याति अर्जित की है कृष्ण कवि ने, पी नंबर आपका सही है। श्रृंगार लतिका सौरभ किस कवि द्वारा लिखा गया? पद्यमय रचना है ये, श्रृंगार लतिका सौरभ। 43 नंबर का क्वेश्चन, 43 में श्रृंगार लतिका सौरभ बताइए, श्रृंगार लतिका सौरभ ये किस कवि द्वारा लिखा गया, ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये बताना है। चयन कर देना है सभी साथियों को, वीडियो को लाइक भी कर दें सभी साथी। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि सभी साथी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपका उत्तर है कि सर इस श्रृंगार लतिका सौरभ यानी कि दुजदेव लगा देना, ये आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रीति काल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहां भटकता रहा पर कहीं जम ना सका? 44, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, मजा आ गया दोस्तों क्वेश्चन में। रीतिकाल का कौन सा कवि है जो जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहां भटकता रहा लेकिन दोस्तों कहीं जम ना सका? मैंने भी आपको बताया है, पढ़ाया है 44 नंबर के क्वेश्चन में, और 44 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है वो कवि कौन है 44 का? केशव है, मतिराम है, देव कवि है या फिर चिंतामणि है? और आपका यहां उत्तर जा रहा है कि सर वो कवि हैं देव कवि, देव हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देव कवि आपका राइट आंसर है। अगला आते हैं दोस्तों, कौन रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में पचासा शैली का प्रवर्तक माना जाता है? पचासा शैली का प्रवर्तक चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर या फिर देव? 45 नंबर का क्वेश्चन है।
कौन रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में पचासा शैली का प्रवर्तक माना जाता है? पचासा शैली 45 नंबर का क्वेश्चन है, पचासा शैली का उत्तर बताना है। और रीतिकालीन कवि हिंदी साहित्य में पचासा शैली का प्रवर्तक माना जाता है तो वो कवि कौन है? 45 का और उत्तर जा रहा कि वो कवि है पद्माकर। पद्माकर है आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी 46 में? पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी, किसने दी बताना है, बताइए रीता जी। पद्माकर को किसका कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी है? वीडियो को शेयर भी कर दिए फटाक से। संजय पाठक जी, पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी 46 नंबर के क्वेश्चन में? लाइक करना है। उत्तर जा रहा है कि सर वो दी है पद्माकर को प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह यानी सी नंबर आपका चला जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, छंदों का अजायब घर है, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छंदों का अजायब घर बताना है, बताइए। शेयर कर दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से सेशन से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट्स लगा हो तो बताइए, उस पर विचार किया जाएगा। पुनः है छंदों का अजायब घर, इसकी रचना ए दोस्तों ये किसे रामचंद्रिका को कहा जाता है? 1601 की रचना है रामचंद्रिका, ठीक है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। केशवदास की रचना है। भवानी बिलास की रचनाकार कौन है? अंतिम प्रश्न है, सभी लोग जल्दी से बताएं, लाइक जरूर करें दोस्तों, है ना। जनता जनार्दन, हमारी सभी जनता जनार्दन वीडियो को इसी प्रकार से शेयर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य आप लोग मंगवा सकते हैं अर्पिता जी, ठीक है। और जिनको भी दोस्तों 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना मात्र 1500 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। तो भवानी बिलास की रचनाकार पूछा है 48 नंबर में, और आपका उत्तर है कि सर भवानी बिलास यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आप लोगों ने सही बताया है। कोई प्रश्न में यानी डाउट्स आपके दोस्तों मन में कोई डाउट्स हो तो जरूर बताना। और ये न्यू पैटर्न पर आधारित एक टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। और दोस्तों इस टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1500 में, नाम मात्र फीस है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। और शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। इतने हमारे साथी हैं और सभी साथी इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दोस्तों पढ़ते रहें, ठीक है। सभी लोगों को पढ़ना है, शेयर करना है, वीडियो को पढ़ते जाना है, अध्ययन करना है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कौन बोल रहा है? 5 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन बोल रहा है 5 नंबर में? यहाँ पर केशवदास बिहारी चिंतामणि 4 नंबर है, 5 नंबर प्रताप शाही की रचना काव्य बिलास, व्यंग्यार्थ कुमोदी, नवरस तरंग नहीं है, नवरस तरंग बैनी प्रवीण की रचना है, नवरस की तरंग है ना। तो यहाँ पर अपन को याद कर लेना दोस्तों, पढ़ते जाना है, अध्ययन करते जाना है, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से लगे रहना, हमारे जितने भी साथी हैं सभी साथी पढ़ते जाइए, अध्ययन करिए। और जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी मत चूकिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना है, सभी साथी नोट्स भी मंगवा सकते हैं जिनको भी मंगवाना है, ठीक है। और दोस्तों अध्ययन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, निरंतर अध्ययन करते रहें, ठीक है। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।